हरिद्वार जिला जेल में कोरोना के 43 केसेस मिले हैं। जेल में बंद 43 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी कैदियों को अलग अलग बैरक में रखा गया। गुजरात के जामनगर जू से शिफ्ट किए गए उत्तराखंड के 2 बाघ, जामनगर जू और रिहैबिलिटेशन सेंटर में अलग अलग प्रदेशों से भी शिफ्ट किए जा रहे हैं बाघ। मसूरी देहरादून मार्ग पर पेड़ गिरने से ये मार्ग बाधित हुआ है। वन विभाग की टीम ने पेड़ को काटकर जेसीबी से हटाया है। मार्ग पर यातायात बहाल। फूलों की घाटी के राष्ट्रीय उद्यान में खिला स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक एडलवाइस फूल, प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है ये फूल। चंदौली में लोगों के हत्थे चढ़े चोर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रस्सी से बांधकर लोगों ने की चोर की पिटाई। ट्रक में चोरी करने घुसा था युवक, विरोध करने पर ड्राइवर को चाकू मारकर किया घायल। पुलिस ने चोर को हिरासत में लिया। मुगलसराय वाराणसी मार्ग की घटना। मेरठ में नकली फूड सप्लीमेंट के खेल से उठा पर्दा। खैरनगर इलाके में एसओजी के साथ फूड एंड ड्रग्स टीम ने मारा छापा। फैक्ट्री और 2 दुकानों पर छापेमारी से हड़कंप। 25 लाख का नकली फूड सप्लीमेंट जब्त। घर में नकली सप्लीमेंट बनाने की चल रही थी फैक्ट्री। मौके से जांच के लिए लिए गए थे सैंपल। नोएडा में महिला से रेप का आरोपी गिरफ्तार। नौकरी का झांसा देकर होटल में बुलाकर दिया रेप का आरोप। पीड़ित महिला ने 30 जुलाई को दर्ज कराई थी शिकायत। उसी तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर की कार्रवाई। गाजियाबाद के लापता कासिम की हत्या का पुलिस ने किया है खुलासा। कासिम के रिश्तेदारों ने किया था वारदात को दिया था अंजाम। गाजियाबाद पुलिस ने कासिम के शव को जंगलों से बरामद किया था। कासिम के आरोपी ने थाने में सरेंडर किया। काशी कॉरिडोर की तर्ज पर अयोध्या में भी भव्य कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव का अयोध्या के संतों ने स्वागत किया है। अयोध्या में भव्य कॉरिडोर के प्रस्ताव को लेकर संतों ने कहा कि काशी में कॉरिडोर बनाना बहुत ही खूबसूरत है। अगर अयोध्या में भी कॉरिडोर बनाया जा रहा है तो बहुत ही सराहनीय पहल। चंदौली में नागपंचमी पर अनोखी परंपरा। 2 गांवों के बीच होती है पत्थरबाजी। पत्थरबाजी का ये क्रम तब तक चलता है जब तक किसी व्यक्ति का सिर नहीं फूट जाए। लखनऊ में सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह ने लगाया स्वास्थ्य और पेंशन शिविर। अपनी स्वर्गीय मां की याद में शिविर का आयोजन किया। विधायक राजेश्वर सिंह ने तिरंगा अभियान की भी शुरुआत कर दी है। खुशहालगंज के शिवरी ग्राम से शुरू हुई है इस अभियान की शुरुआत। सैकड़ों लोगों ने इसमें हिस्सा भी लिया। कौशाम्बी में खाकी फिर से शर्मसार हुई। पूछताछ के नाम पर 2 लोगों को 3rd degree टॉर्चर दिया गया। पुलिस चौकी के भीतर बंद कर बेरहमी से उनकी पिटाई की गई। एएसपी ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। आगरा में होटल संचालकों की दबंगई। टेम्पो ट्रेवलर के ड्राइवर को पीटने का आरोप है। सीसीटीवी में कैद हुई पिटाई की तस्वीरें। पर्यटकों से भरी गाड़ी को ट्रेवलर ड्राइवर ने किसी दूसरे होटल पर लगाया था। नोएडा के ओयो होटल के बंद कमरे में महिला का पंखे से लटका मिला शव। फरुखाबाद में टेंट व्यवसायी 70 वर्षीय वृद्ध राम सेवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। शव को टेंट हाउस के पीछे खेत में फेंका गया। जांच में जुटी पुलिस। बागपत में फूड प्वाइजनिंग के शिकार हुए परिवार के 6 सदस्य। परिवार के सदस्यों ने खाने में खाए थे दाल चावल। उपचार के बाद तबियत में सुधार हुआ। मुरादाबाद के कमिश्नर अनंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट पर एसडीएम घनश्याम वर्मा को किया गया सस्पेंड। घनश्याम वर्मा पर फर्नीचर लेने के बाद पेमेंट मांगे जाने पर फर्नीचर कारोबारी के घर पर बुलडोजर चलवाने का आरोप। हरियाणा से कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होंगे। विधानसभा की सदस्यता से बिश्नोई ने इस्तीफा दिया। कल बीजेपी में शामिल होंगे बिश्नोई। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच दिल्ली में केंद्र सरकार ने निकाली तिरंगा बाइक रैली। विपक्षी सांसदों के नहीं पहुंचने पर सियासत कर। दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहाना। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश के कारण चेतावनी। नदियों का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। बिहार के सहरसा में बाढ़ का पानी गांव में घुसा। कोसी ने फसलों को बर्बाद किया।
नेपाल में बारिश के कारण बिहार के बगहा के गंडक नदी में उफान आया है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बिहार के बेतिया में कटहा नदी पर बना पुल टूटा, कई इलाकों का जिले से संपर्क भी टूटा। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में लगातार हो रही बारिश, कई इलाकों में जल भरा। कर्नाटक के कोपल और आसपास के इलाकों में भारी बारिश, जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी घोषित की। कर्नाटक के भटकल में भारी बारिश से बहा है से ढह गया एक घर, चार लोग मलबे में दब गए, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। केरल के कोट्टयम में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। केरल के कुन्नूर में भीषण बारिश, बारिश में कई घर क्षतिग्रस्त, येलो अलर्ट जारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।